चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। तो आप देखें, कल हम लोग देखा था कि थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को अगर आप जो है थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, या फिर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड यहां पर थे कल हम लोग देखा था कि जो है जब हम लोग थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, तो रिजल्टेंट फ्लक्स एक क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तीनों फेज में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट फ्लक्स आपका कैसा होता है बेटा, आपका रोटेटिंग फ्लक्स आपका जो है प्रोड्यूस होता है, और ये रोटेटिंग फ्लक्स आपके कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है और आपका सिंक्रोनस स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है। और जो स्पीड होती है रोटेशन की, सिंक्रोनस स्पीड, उसका जो फार्मूला होता है दैट इज 120f डिवाइडेड बाई पी विल बी देयर, ठीक है। और ये आपका जो है जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग आपकी स्टेशनरी है, लेकिन जो फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स है, वो आपका कैसा है, रोटेटिंग नेचर का है, दैट इज द रोटेटिंग नेचर का है, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है। ये मैंने कल आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देखेंगे फिगर में देख सकते हैं कि जब भी आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स आपका किस नेचर का होने वाला है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो किस नेचर का होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा, ठीक है। किस नेचर का होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा, और किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 ऑफ φm, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ द φm, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ऑफ एनी फेज, किसी भी एक फेज के मैक्सिमम फ्लक्स का 3/2 टाइम्स या फिर 1/5 टाइम्स होने वाला है, ठीक है। चलिए, अच्छा जो है यहां पर आप देखेंगे आपका जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग नेचर का, इसको कैसे समझ सकते, फ्लक्स जो होता है वो हमेशा कहां से निकलता है, मैग्नेट से निकलता है, ठीक है। और अगर आपका फ्लक्स रोटेटिंग है, मतलब आपका जो मैग्नेट है वो कैसा है, रोटेटिंग, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जब भी आप जो है थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो आपके स्टेटर में एक मैग्नेट बनता है, बट ये जो मैग्नेट है वो किस नेचर का होगा, रोटेटिंग नेचर, मैग्नेट रोटेट करेगा तो उसका जो फ्लक्स है वो भी कैसा होगा, रोटेटिंग नेचर का होने वाला। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, हमेशा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स आपका हमेशा कहां से निकलता है, मैग्नेट से निकलता है। तो जब भी आपके पास फ्लक्स होने वाला है तो आप मान सकते हैं देयर इज ए मैग्नेट, वहां पर क्या बन रहा है, एक मैग्नेट बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द मैग्नेट, फ्लक्स इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द नॉर्थ पोल एंड दिस इज नथिंग बट द साउथ पोल, ठीक है। एयर में जो फ्लक्स लाइन होती है, एयर में जो फ्लक्स लाइन होती है वो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, और बेटा मटेरियल के अंदर या फिर मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। तो नाउ दिस इज ए मैग्नेट, एयर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो आपकी नॉर्थ टू साउथ क्या करती है, मूव करती है, और बेटा मैग्नेट के अंदर या फिर मटेरियल के अंदर साउथ टू नॉर्थ क्या करती है, मूव करती है। नाउ दिस इज ए फ्लक्स, नाउ दिस इज ए फ्लक्स,
ठीक है, तो आप देखेंगे देयर इज ए फ्लक्स लाइन। फ्लक्स लाइन हमेशा कहां से प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को बैलेंस थ्री फेज बैलेंस करके एक्साइट करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड आने का मतलब आपका जो है एक मैग्नेट बनेगा, और आपके जो मैग्नेट फील्ड है या फिर आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज नथिंग बट द मैग्नेट फील्ड, ये फील्ड क्या करे, रोटेट करे। ये फील्ड रोटेट करने का मतलब है कि आपका जो मैग्नेटिक मैग्नेट बन रहा है वो कैसा है, रोटेटिंग मैग्नेट बन रहा है। जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। या फिर जो चुंबक है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपने जो है यहाँ पर आपने नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस किए जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स है, और वो फ्लक्स या फिर आपका चुंबक है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आप क्या कर रहा है, रोटेटिंग नेचर का होगा। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे कि जब भी आपके पास फ्लक्स लाइन होगी, फ्लक्स लाइन की वजह से, फ्लक्स लाइन हमेशा किसकी वजह से आती है, मैग्नेट की वजह से। तो अगर कभी भी आपके पास फ्लक्स लाइनें हैं तो देयर इज ए मैग्नेट विल बी देयर, मैग्नेट बन रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसा क्या हो रहा है। तो जनरली आप मान सकते हैं कि जैसे मैं थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करने से क्या करूंगा, एक्साइट करूंगा। एक्साइट होने के बाद आपका जो है जो फ्लक्स आएगा मतलब आपका जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, और फ्लक्स रोटेटिंग है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लक्स रोटेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर रहा है, दैट इज मैग्नेट जो बन रहा है वो कैसा, रोटेटिंग नेचर का। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी सी दैट यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। जैसे थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करने से आप एक्साइट करेंगे तो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको मान लेता हूं ये बीस से आपका कैसा है, फिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे जिसकी वजह से फ्लक्स आएगा। This is the resultant flux, phi r. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर आपका जो है फ्लक्स है या फिर मैग्नेट फील्ड है, ये रोटेटिंग नेचर का, ये रोटेटिंग नेचर का है मतलब आपका जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है वो किस नेचर का होने वाला, रोटेटिंग नेचर का। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, फ्लक्स इज रोटेटिंग मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट इज रोटेटिंग। Now this is like this, this is the phi r. थोड़ी देर बाद आपका जो resultant flux है वो इस position पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आपका जो resultant flux है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। This is north pole, this is south pole. Again, this is North Pole and this is the South Pole. Now, this is the phi r. And this is again, थोड़ी देर बाद ये फिर से अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। This is North Pole and this is South Pole. This is the scenario which happened. This is fine. कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, Now this is the happened inside the your three phase balance winding. तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग जो स्पेस में बैलेंस होंगी आप इसको थ्री फेज बैलेंस करने से एक्साइट करेंगे तो हमेशा आपका जो है क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनेगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कैसा होने वाला है, रोटेटिंग नेचर का। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा या फिर नॉर्थ और पोल साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो इंड्यूस होंगे, जो आपने पोल पोल को इंड्यूस किया, करंट फ्लो करा के आपने मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, मतलब जो पोल इंड्यूस किया या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने इंड्यूस किया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने वाला है, रोटेटिंग नेचर का होगा। और ये किस स्पीड से रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटेशन, ये रोटेट कर रहा है
ये रोटेट कर रहा है किस स्पीड से, ns, ns इज नोन सिंक्रोनस स्पीड। और बेटा ये जो स्पीड ऑफ रोटेशन होगी ये किस पे डिपेंड करेगी, दैट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी का आपने करंट से एक्साइट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और कितने पोल आप इंड्यूस कर रहे हैं। मैंने बोला कि आपका जो है कितने पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल आप इंड्यूस कर रहे हैं करंट को फ्लो करा के, चार पोल इंड्यूस कर रहे हैं, लाइक समथिंग विल बी देयर। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिए होंगे कि कितने पोल की मशीन है। ठीक है, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड इज नथिंग बट इक्वल टू 120f डिवाइडेड बाय p। तो इसको लिख लीजिए जरा, इन दोनों फिगर को बना लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं। चलिए तो फुल स्टेटमेंट लिखिए, अच्छा ये जो आपका रोटेशन की डायरेक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रही, कल मैंने बताया फेज सीक्वेंस, आपने फेज सीक्वेंस लिया था जो करंट से एक्साइट कर रहे थे ए बी सी, तो आपका जो है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आया है या फिर रोटेटिंग फील्ड आई है वो आपकी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप फेज सीक्वेंस आप चेंज कर देंगे, ए सी बी कर देंगे, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन केवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फेज सीक्वेंस में क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहां पर हम लोग पहले पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द स्टेटमेंट, इफ हो गया ना, फिगर बना लिया ना आप लोगों ने, फिगर विल बी कंप्लीटेड। चलिए, इफ थ्री फेज वैलेंस बाइंडिंग, थ्री फेज वैलेंस बाइंडिंग इज एक्साइटेड एक्साइटेड बाई थ्री फेज बैलेंस्ड करंट, देन resultant flux of constant magnitude is produced, resultant flux of constant value, or what is the value, that is 3 by 2 times of the maximum value of the flux any phase, किसी भी एक फेज के मैक्सिमम फ्लक्स का 3 by 2 times का मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स होगा जो उसका मैग्नीट्यूड होगा 3 by 2 times of the phi m, but rotating in space at synchronous speed, that is जिसको हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं, और ns की वैल्यू होती है 120f डिवाइडेड बाई p, जो कि आपका सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा,
इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द वाइंडिंग, वाइंडिंग स्टेशनरी है, बट जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो आपका रोटेटिंग नेचर होगा। दैट इज वाइंडिंग, मतलब कौन सी वाइंडिंग बात करूं, थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग, थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग जो कि स्टेशनरी नेचर का है, स्टेशनरी बट दैट इज थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग स्टेशनरी बट रिजल्टेंट फ्लक्स दिस इज रोटेटिंग। एक फिगर भी बना लीजिए, फिगर भी मैं बना देता हूं इसी के नीचे। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, जो आपके पास रिजल्टेंट फ्लक्स आता है रोटेटिंग नेचर का, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है, दैट इज नथिंग बट द फेज सीक्वेंस। में लेकर आऊं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स इज डिपेंड्स अपॉन द फेज सीक्वेंस, डिपेंड्स अपॉन द फेज सीक्वेंस। यहां लिख देता हूं, अगर फेज सीक्वेंस, if the phase sequence is ABC, then resultant flux is rotating in clockwise direction. If the phase sequence is ACB change कर दिया, then the resultant flux is rotating in anti-clockwise direction, तो इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, इफ द फेज सीक्वेंस ऑफ द करंट, इफ द फेज सीक्वेंस ऑफ द करंट इज रिवर्स, रिवर्स कर दिया जाए, एबीसी की जगह एसीबी कर दिया जाए, दो फेज को बदलने, देन
द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स. मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, ठीक है, बदल जाएगी. अगर मैं किन्हीं दो फेज को इंटरचेंज कर दूंगा तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ये याद रखिएगा, ब्रेकिंग में हम यही करेंगे. जब हमें इंडक्शन मशीन को ब्रेक करना होगा, रोकना होगा, तो हम दो फेज को चेंज कर देंगे तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अब एक फिगर बना लेते हैं जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया था, ये वाला, उस स्टेटमेंट को समझने के लिए कि थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को जब हम थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है. जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो रोटेटिंग होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बनने का मतलब एक मैग्नेट बनेगा आपके सिंक्रोनस मशीन के अंदर, और वो मैग्नेट क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला. भैया पोलरिटी चेंज करना नहीं है, दैट इज द, आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना है, प्लस माइनस का माइनस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पोलरिटी से फेज सीक्वेंस चेंज करना होगा. जो लीडिंग है 120 उसको 240 लैग कराओ, और जो बेटा 240 लैग है उसको आप जो है 120 डिग्री लैग कराओ. फेज सीक्वेंस में डिपेंड करती है, ना कि आपकी पोलरिटी पे डिपेंड करती है. लिखा है ना एबीसी और एसीबी, दो फेज को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है. मैं फिगर बना रहा हूं, ये फिगर बना रहा हूं, नाउ दिस इज द फिगर आई कैन बी मेक. चलिए ये फिगर है मेरे पास, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग है, दिस इज ए थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग. थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग है, और इस थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को मैं थ्री फेज बैलेंस करंट से क्या कर रहा हूं, एक्साइट कर रहा हूं, ठीक है. बैलेंस करंट से क्या कर रहा हूं, एक्साइट कर रहा हूं. जैसे ही आप इस थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो इमीडिएटली आपका क्या होगा, देखो यहां पर जो वाइंडिंग है स्टेटर पे रखी है, दिस इज ए स्टेटर, स्टेटर स्टेटर पे वाइंडिंग रखी है, तो थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग, स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है, ये स्टेटर है. चूंकि आपकी जो है जो थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग है वो स्टेटर में है, तो थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग क्या है, लिख रहा हूं, चूंकि थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग्स आर पुट ऑन द स्टेटर so that three phase balance winding are stationary, ठीक है. जैसे ही आप इस three phase balance winding को three phase balance current से क्या करेंगे, excite करेंगे, तो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपकी रोटेटिंग, मतलब आपका जो है यहां पर एक चुंबक बनेगा. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या होगा, डेवलप होगा, क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा, डेवलप होगा. नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा, डेवलप होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, ये जो आपके पास चुंबक बनेगा
वो कैसा होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, रोटेटिंग नेचर का। ये क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, चुंबक रोटेट कर रहा होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रोटेट। किस स्पीड से रोटेट करेगा, दैट इज ns स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा। दिस इज द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड बनती है या फिर जो चुंबक बनता है वो रोटेटिंग नेचर का। अगर मैंने एबीसी माना है, एबीसी फेज सीक्वेंस, तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा हूं इसको, क्लॉकवाइज। थोड़ी देर बाद ये आपका घूम के ऐसे आ जाएगा, ये डॉट, ये जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ी देर बाद आपका घूम के यहां आ जाएगा, साउथ पोल घूम के यहां चला जाएगा, ठीक है। दिस इज फील्ड, दिस इज द फील्ड, दिस इज द फील्ड। आपका जो चुंबक है वो रोटेटिंग नेचर का होगा। और आपको मालूम है कि जो फ्लक्स है जब डेवलप होगा, क्योंकि फ्लक्स आपका कैसा है, मूविंग है, कंडक्टर रोटेटिंग है, तो ये इसको कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, नाउ यू कैन बी मेक द फिगर। दिस इज स्टेटर फील्ड। ये कौन सी फील्ड है, स्टेटर फील्ड है, स्टेटर फील्ड। स्टेटर पे जो फील्ड बनी है, स्टेटर पे जो फील्ड बनी है वो रोटेटिंग नेचर के, यही आपका मेन फ्लक्स है। बीच में रोटर लगा होगा, ये फ्लक्स उसको भी कट करेगा, रोटर के कंडक्टर को बिल्कुल बनाना है अनीता विश्वकर्मा। अब एक और चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो स्टेटमेंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो सिंक्रोनस मशीन में काम आएगा, इंडक्शन में तो उतना काम नहीं आएगा, बट इसी का पार्ट है तो यहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बन गया क्या, स्टेटर फील्ड का मतलब जो चुंबक बनेगा स्टेटर में वो रोटेटिंग नेचर का होगा। और ये एयर है, एयर, एयर पे फ्लक्स की डायरेक्शन होती है बेटा नॉर्थ से साउथ, दिस इज द डायरेक्शन। आप ऐसी डायरेक्शन दिखा सकते हो, स्टेटर के बाद क्या लिखा है, स्टेटर के बाद लिखा है थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग आर पुट ऑन द स्टेटर। ये थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग स्टेटर में पुट की गई है, सो दैट स्टेटर थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग आर स्टेशनरी। थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग स्टेशनरी होगी, ये लिखा है थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग आर स्टेशनरी, आर स्टेशनरी। हवा पे, हेलो, स्टेटर से फील्ड निकलेगी तो नॉर्थ बनेगा साउथ बनेगा। हवा पे जो फ्लक्स लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ये डायरेक्शन बनाया हूं, और ये लगातार रोटेट कर रहा होगा सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा बना सकते हैं। आप देखो, बोला जाता है कि किसी भी इंस्टेंट पे, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से, किसी भी इंस्टेंट पे जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स आपका हमेशा उस वाइंडिंग की एक्सेस की डायरेक्शन में होगा जो मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, कैरी करेगा। जिस फेज का करंट मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स उसी फेज के करंट की एक्सेस की डायरेक्शन में हमेशा होने वाला, किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। मैंने यहां पर स्टेटमेंट बोला, मैंने बोला कि आप देखेंगे थ्री फेज बैलेंस करंट है, हेलो, थ्री फेज बैलेंस करंट, आइए
आई बी एंड दैट इज आई सी। आई ए क्या है बेटा, आई एम कॉस ओमेगा टी। आई बी क्या है बेटा, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और बेटा आई सी क्या है, आई एम कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री बोलिए, या फिर इसी को लिख सकते हैं आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, मैंने बोला अगर मैं इन तीनों की वेवफॉर्म ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे, आइए फेज ए के करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो कॉस होगी। बेटा ये बताओ फेज ए का करंट कब मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री पे। और बेटा फेज बी आपके फेज ए से 120 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो जिस समय आई ए मैक्सिमम होगा उसके 120 डिग्री बाद आपके फेज बी का करंट मैक्सिमम होगा, और बेटा फेज बी के 120 डिग्री बाद फेज सी का करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर बेटा ये 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है तो बेटा फेज बी का करंट इससे 120 डिग्री बाद क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फेज सी का करंट आपका जो है फेज बी से 120 या फिर आपके रेफरेंस से 240 डिग्री के बाद क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलो मैं इनकी वेवफॉर्म भी बना के आपको दिखा देता हूं, फेज ए के करंट की वेवफॉर्म दिखा रहा हूं, कॉस की वेवफॉर्म आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा जरा, यही मैं बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए किस समय किस फेज का करंट में, जिस समय जिस फेज का करंट मैक्सिमम होगा उस समय उसी फेज के एक्सेस की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। अगर फेज ए का करंट मैक्सिमम है उस समय रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो फेज ए की एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। जिस समय फेज बी का करंट मैक्सिमम, तीनों में से जिस भी करंट का किसी भी इंस्टेंट में जिस भी करंट का जिस भी फेज का करंट मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट फ्लक्स उसी उसी फेज के एक्सिस उसी फेज की फील्ड की एक्सिस की डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, यहां पर सुनिए, नाउ दिस इज द, मैं आपकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये करंट है, करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू। कॉस का ग्राफ आपको आता होगा, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा है, दिस इज प्लस आई एम, दिस इज माइनस आई एम। कॉस कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। नाउ दिस इज 0 डिग्री, दिस इज, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो। नाउ दिस इज 0, 12 पार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। नाउ दिस इज दिस इज पाई बाई सिक्स, इसको मैं लिख रहा हूं दिस इज पाई बाई सिक्स, ये है आपका पाई बाई थ्री, ठीक है, दिस इज पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा पाई, दिस इज टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, 5 पाई बाई 6, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, 7 पाई बाई 6, दिस इज 8, 4 पाई बाई 3, नाउ दिस इज 8 है 9, 9, 9, 9, 9, 3 पाई बाई 2, नाउ दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 5 पाई बाई 6, दिस इज 11 पाई बाई 6 एंड दिस इज 2 पाई। मैं लिख भी देता हूं, ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 120 डिग्री है, ये आपका 150 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये 210 डिग्री है,
ये 240 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये आपका 300 डिग्री है, ये 330 डिग्री है और ये आपका 360 डिग्री। ठीक है, चलो मैं वेवफॉर्म बनाने जा रहा हूं। पहली वेवफॉर्म बनाने जा रहा हूं बेटा आई एम कॉस ओमेगा, फेज ए के करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करो। फेज ए कॉस है ना, ये होगी वेवफॉर्म। 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है, 180 डिग्री पे निगेटिव पीक को अचीव करेगा, फिर 370 पे फिर से जीरो हो जाएगी और बेटा 2 पाई पे फिर से इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज ए के करंट की वेवफॉर्म। दिस इज आईए, आईए इज आई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इतना बना लो नहीं तो फिर कुछ कुछ हो जाएगा, फिर मुझसे मत कहना। फेज ए का करंट, फेज बी का जो करंट की वेवफॉर्म होगी, फेज बी फेज ए से 120 डिग्री लैग कर रहा है, तो फेज बी की वेवफॉर्म क्या होगी, फेज ए की वेवफॉर्म को 120 डिग्री आगे से बना दो। जो वैल्यू फेज ए पे जीरो डिग्री पे आएगी, वही सेम वैल्यू फेज बी पे आपकी 120 डिग्री के बाद आएगी। तो फेज ए पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जीरो डिग्री पे, तो फेज बी पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 120 डिग्री। यहां से फेज बी की वेवफॉर्म स्टार्ट हो, फेज ए की वेवफॉर्म को 120 डिग्री आगे से, हेलो निगेटिव है ना, निगेटिव शिफ्टिंग मतलब ग्राफ आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये सब पढ़ाया शिफ्टिंग, किसी को शक है क्या? हो गया, चलिए फेज बी का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, फेज बी का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, फेज बी का करंट ड्रॉ कर रहे हैं। फेज बी की वेवफॉर्म बनाने के लिए फेज ए की वेवफॉर्म को 120 डिग्री आगे से बना दीजिए। नाउ दिस इज मैक्सिमम आएगी, 1 2 3 यहां पर ये जीरो हो जाएगा, फिर 1 2 3 यहां पर निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, बना रहा हूं। ये फेज बी की वेवफॉर्म आएगी, एक दो तीन, थ्री हंड्रेड डिग्री पे इसकी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी 300 पे और यहां पर 60 डिग्री नीचे जाएगी, यहां पर 1 2 3 इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये फेज बी का करंट, आई बी इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। केवल कुछ नहीं किया है, फेज ए के वेवफॉर्म को 120 डिग्री आगे से बना दिया। ठीक है, ये फेज बी की वेवफॉर्म, जो वैल्यू फेज ए में आ रही है वही सेम वैल्यू आपके 120 डिग्री के बाद फेज बी में आ रही है। तो अगर 0 डिग्री पे फेज ए का करंट मैक्सिमम, तो इसके 120 डिग्री के बाद फेज बी का करंट मैक्सिमम होगा। फेज सी, हेलो फेज सी आपके फेज ए से 240 डिग्री लैग कर रहा है। 240 का मतलब है कि फेज ए की वेव फॉर्म को कितना आगे से बना दो, 240 कहां है, यहां से बना दो, यहां से बनेगी,
बना रहे हैं फेज सी 240 डिग्री बाद बनेगी, फेज ए की वेवफॉर्म को मैंने शिफ्ट किया 240 डिग्री आगे। नाउ दिस इज 1, 2, 3 यहां पर ये 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 30 डिग्री नीचे और आएगी वेवफॉर्म, 30 डिग्री नीचे और आएगी, फिर पीछे बना रहे हैं 1, 2, 3 यहां पर ये 0 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3 यहां पर इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी लाइक समथिंग। ठीक है, ग्राफ से आपको दिख रहा होगा, ये आपका ग्राफ है आईसी का, आईसी है आईएम कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ये है आईसी आईएम कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। अब जरा ग्राफ से देखो, ग्राफ से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। टी इक्वल टू जीरो पे, हेलो यहां देखो जो मैं समझा रहा हूं, अभी रुक जाओ। टी इक्वल टू जीरो पे किस फेज का करंट मैक्सिमम है, हेलो फेज ए फेज बी की फेज सी, फेज ए का करंट मैक्सिमम है, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो फेज ए की एक्सेस की डायरेक्शन में होगा 120 डिग्री बाद, 120 डिग्री बाद आप देखेंगे फेज बी का करंट मैक्सिमम होगा, तो बेटा 120 डिग्री बाद आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो फेज बी की एक्सेस की डायरेक्शन में होगा, और बेटा 240 डिग्री पे आप देखेंगे फेज सी का करंट मैक्सिमम है, तीनों फेज में फेज सी का करंट कैसा है, मैक्सिमम है, तो 240 डिग्री बाद जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, फेज सी के एक्सेस की डायरेक्शन में होगा। इस चीज को मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ग्राफ से आपको क्लियर होगा। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे जिस फेज का करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स उसी फेज के एक्सेस की डायरेक्शन में होगा, जिस फेज का करंट मैक्सिमम होगा। जीरो डिग्री में फेज ए का करंट मैक्सिमम है, तो जीरो डिग्री पे जब आप रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन बनाएंगे तो वो फेज ए के एक्सेस की डायरेक्शन में होगा। अगर मैं 120 डिग्री पे देखूंगा तो 120 डिग्री में फेज बी का करंट मैक्सिमम होगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, फेज बी के एक्सेस की डायरेक्शन में होगा। और बेटा 240 डिग्री में फेज सी का करंट मैक्सिमम होगा, तो 240 डिग्री में जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो किस फेज सी के एक्सेस की डायरेक्शन में होगा। चलो बनाने की कोशिश करते हैं, ये मैं तीन इंस्टेंट आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप 60 डिग्री में देखेंगे तो 60 डिग्री में जिस फेज का करंट मैक्सिमम, जिस फेज का करंट मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स उसी फेज के एक्सेस की डायरेक्शन होगा। मैं तीन इंस्टेंट आपको दिखा रहा हूं, आप किसी भी समय देख सकते हैं, लेकिन इन तीन इंस्टेंट पे देखना ज्यादा आसान है, इसलिए मैं इन्हीं तीन इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं। ये क्यों नहीं, ये नहीं बोल सकते सर आप किसी और एक बीच के इंस्टेंट में दिखाई, बिल्कुल देखेंगे उस समय में रिजल्ट ट्रू रहेगा। चलिए अब मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बन गया है, क्या बन गया है। चलिए आइए, जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसी स्टेटमेंट को सुनिए, सिंक्रोनस के लिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रिजल्टेंट फ्लक्स कितना था, लो रिजल्टेंट फ्लक्स जो हमने निकाला था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 3/2 φm, और उसका फेज एंगल कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा था, हेलो फेज एंगल कैलकुलेट करने पे आ रहा था -ωt।
अच्छा इसका मैग्नीट्यूड को हमने किससे प्रिंट किया था, रिजल्टेंट फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को फाइव आर से प्रिंट किया था, जो कि कैसा था, कॉन्स्टेंट था, दिस इज कॉन्स्टेंट, मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट था, और इसका जो फेज एंगल था उसको हमने थीटा से प्रिंट किया था, डायरेक्शन या फिर फेज एंगल थीटा से प्रिंट किया था, ये कितना रहा था माइनस ओमेगा टी, और ओमेगा को हमने लिखा था टू पाई एफ इंटू टी, और इसको अगर मैं टाइम पीरियड के फॉर्म पे लिखना चाहूं तो दिस इज माइनस टू पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इंटू टी। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं किस इंस्टेंट पे t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे किस फेज का करंट मैक्सिमम है, फेज ए का करंट मैक्सिमम है, तो t इक्वल टू जीरो पे मैं अपने रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन देखूंगा कहां है ये, ठीक है, t इक्वल टू जीरो पे आ जाओ, एट t इक्वल टू जीरो केस नंबर वन लिख रहा हूं बेटा, केस नंबर वन, केस नंबर वन, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट फ्लक्स किस डायरेक्शन में, वो थीटा माइनस टू पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इंटू जीरो, किस डायरेक्शन में होगा, जीरो पे होगा, जीरो मतलब रेफरेंस एंगल मेजर करें, ठीक है। नाउ इस समय किस फेज का करंट मैक्सिमम, टी इक्वल टू जीरो पे, हेलो ये तीनों फेज का करंट है, इन तीनों फेज के करंट में जब आप टी इक्वल टू जीरो रखेंगे, हेलो टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा आई एम, यहां पर जीरो रखेंगे तो कॉस माइनस 120 डिग्री, कॉस माइनस 120 डिग्री आ जाएगा बेटा, कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1/2, तो ये होगा माइनस आई एम बाई टू, और इसको भी निकालेंगे भी आएगा माइनस आई एम बाई टू। तो कौन से फेज का करंट मैक्सिमम है, फेज ए का करंट, ग्राफ से दिख रहा होगा टी इक्वल टू जीरो पे फेज ए का करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, आई एम है, एट टी इक्वल टू जीरो पे जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में है, दैट इज रेफरेंस की डायरेक्शन में, और बेटा जो फेज ए है, फेज ए का करंट मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कितनी है, आई एम, दिस इज द मैक्सिमम, फेज ए का करंट मैक्सिमम, फेज बी का निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहां वैल्यू पुट करिए, टी इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो ये आई एम आ जाएगा, कॉस जीरो इज वन, यह आ जाएगा माइनस आई एम बाई टू, ये भी माइनस आई एम बाई टू, क्योंकि बैलेंस करंट है, तीनों का फेजर एडिशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा, अगर ये आई एम है ये माइनस आई एम बाई टू होगा, माइनस आई एम बाई टू, समेशन कितना आ जाएगा, जीरो विल बी देयर, तो फेज ए का करंट मैक्सिमम है और मैंने लिख दिया इतना है, चलो क्लियर है क्या। और जो फाइ आर होगा, ये बताओ जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा ये जीरो आए, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, दैट इज फाइ आर, फाइ आर इज अलोंग जीरो डिग्री, फाइ आर एज along the reference, जीरो डिग्री का मतलब किस डायरेक्शन में, रेफरेंस की डायरेक्शन में होने वाला। चलो बनाने की कोशिश करते हैं, चलो केस नंबर टू, पहले तीनों केस लिख लेते हैं, केस नंबर टू, केस नंबर टू, 120 डिग्री बाद, हेलो टी इक्वल टू जीरो के बाद कितने डिग्री, कितने डिग्री के बाद, 120 डिग्री के बाद फेज बी का करंट आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो 120 डिग्री, टी इक्वल टू हम बात कर रहे हैं टू पाई डिवाइडेड बाई थ्री टी, दिस इज नथिंग बट द ओमेगा, हेलो आपका एंगल कितना है बेटा, एंगल है माइनस ओमेगा टी ना, यहां पर टाइम मैं रख रहा हूं, हेलो टी की वैल्यू निकालूंगा तो एंगल डिवाइडेड बाई ओमेगा, यहां से देखो, ध्यान से देखो, आपने बचपन में पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो अगर मैं टी की वैल्यू निकालू, टी इज इक्वल टू होगा थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा, कितने एंगल के बाद देख रहा हूं, 120 डिग्री, 120 डिग्री टू पाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई, तो अगर मैं 120 डिग्री बाद
आपका टाइम निकालूंगा तो हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई ओमेगा, दिस इज द टाइम। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। आपको कितनी देर बाद आपका फेज बी का करंट रिएक्शन 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री बाद टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा। ये टाइम अगर इतना टाइम रखूंगा तो एंगल कितना आएगा, हेलो, टाइम की वैल्यू अगर रखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, ओमेगा से मैं कट जाएगा कितना एंगल आएगा 2 पाई बाई 3, मतलब इतना टाइम रखने का मतलब जब मैं एंगल निकालूंगा तो एंगल आएगा 120 डिग्री। ठीक है, चलो अब मैं जो है देख रहा हूं इस टाइम के बाद, ये टाइम कितना है, इस टाइम पे आपका जो है जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन टाइम वैल्यू है ना, मालूम है ना कितने टाइम के बाद देख रहा है, इतने टाइम के बाद, इतने टाइम की वैल्यू, इतने टाइम के बाद जरा रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन निकालो, निकाल रहा हूं बेटा ध्यान से देखे। नाउ दिस इज यहां पर अच्छा ये वाला रिलेशन पुट कर लो, ये वाला रिलेशन कितने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद आपको अपने रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन निकालनी। नाउ रिजल्टेंट फ्लक्स इज माइनस ओमेगा, कितने टाइम के बाद, 2π/3ω। हेलो, कितने एंगल पे होगा, -2π/3, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब -120 डिग्री पे होने वाला है। दिस इज नथिंग बट द, अगर मैं डिग्री में लिखूंगा तो -120 डिग्री की डायरेक्शन में होने वाला है। इतने टाइम बाद आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रेफरेंस से कितने एंगल पे होगा, -120 डिग्री। और इतने टाइम बाद जरा फेज बी का करंट निकालो, फेज बी का करंट, हेलो, फेज बी का करंट निकालना है, उसकी इक्वेशन आपको मालूम है, हेलो, अगर मैं t इक्वल टू इतना रखूंगा, ध्यान से देखो, t इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई 3ω, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 120 माइनस 120, कॉस के अंदर वैल्यू जीरो होगी, कॉस की वैल्यू जीरो होगी, दैट इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, जब निकालेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू रखेंगे, हेलो, यहां पर वैल्यू रखो, फिर भी का करंट मैक्सिमम आएगा और कितना आएगा, Im, दिस इज द मैक्सिमम करंट। मैं निकाल के भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से देखो, यहां पर जब आप t की वैल्यू रखेंगे यहां पर, हेलो, फेज ए पे रखेंगे 2π डिवाइडेड बाई 3ω, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, cos 120 डिग्री आ जाएगा, -Im/2, फेज ए का करंट निगेटिव आएगा, हेलो, यहां पर देखो फेज ए की करंट की वेवफॉर्म नीचे बनी हुई है, फेज सी का भी करंट निगेटिव आएगा, यहां पर रखोगे जब जो है दैट इज 2π/ωt, ये कट जाएगा, यहां पर 220 में से 240 घटाओगे, -220 आएगा, तो दैट इज -Im/2, और फेज ए का करंट, फेज बी का करंट आपका मैक्सिमम आएगा, दैट इज Im, दिस इज मैक्सिमम आएगा। और जो रिजल्टेंट फ्लक्स, हेलो, रिजल्टेंट फ्लक्स यहां से आप देख सकते हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स फाइ आर एच कितना होगा बेटा, रेफरेंस से कितने एंगल पे होगा, दैट इज -1 फाइ आर एच -120 डिग्री फ्रॉम द रेफरेंस, निगेटिव एंगल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल को मेजर करेंगे, रेफरेंस 120 डिग्री पे होने वाला है। केस नंबर 3, कितने डिग्री बाद आपका जो है फेज सी का करंट मैक्सिमम होगा, हेलो, फेज सी का जो करंट है वो कितने डिग्री बाद मैक्सिमम, यहां से देखो, फेज सी का करंट मैक्सिमम के लिए ना कॉस की वैल्यू 0 1 होनी चाहिए, कॉस की वैल्यू 1 कब होगी, जब यहां 0 बनेगा, 0 कब बनेगा, 240 डिग्री पे, हेलो, 240 डिग्री पे फेज सी का करंट मैक्सिमम है, 240 को हम क्या लिखते हैं बेटा, 4π/3, हेलो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसके करस्पॉन्डिंग 240 डिग्री को लिखते हैं 4π/3, तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना हो जाएगा, 4π/3ω, ये रिप्रेजेंट करेगा 240 डिग्री, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग टाइम, तो मैं लिख रहा हूं टी की वैल्यू जब कितनी हो जाएगी, 4π/3ω, ये टाइम रिप्रेजेंट करेगा। हेलो, इस टाइम पे मुझे अपने रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन, रिजल्टेंट फ्लक्स किस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो थीटा बता रहा है, दिस इज -ω/4π/3ω, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, -4π/3,
जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रेफरेंस से कितने एंगल पे होगा, माइनस 240 डिग्री पे होने वाला। और इस समय कौन सा करंट मैक्सिमम होगा, हेलो फेज सी का करंट मैक्सिमम होगा, वैल्यू पुट कर लो जरा, हेलो वैल्यू पुट करो, ये जीरो बनेगा, यहां पर रखेंगे टी की जगह 4π/3 ओमेगा, ओमेगा से मैं कट जाएगा कॉस 0 दिस इज 1, ये आईएम आएगा, ये 120 आएगा, 120 आएगा, ये माइनस IM/2 माइनस IM/2। फेज सी का करंट कैसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, IM, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। नाउ फाई आर इज माइनस 240 डिग्री फ्रॉम द रेफरेंस, अब जरा देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं आपको, अब चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतना लिख लीजिए उसके बाद जरा ग्राफ से समझिए, घबराने वाली बात नहीं, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, अभी मैं स्टेटमेंट फिगर से बना रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नाउ आप देखिए जरा, हेलो फेज ए का जो, हेलो फेज ए की जो एक्सेस होगी वो रेफरेंस की डायरेक्शन में होगी, हेलो फेज ए की एक्सेस मैंने बनाई थी, अगर तुम लोग भूल गए हो, फेज ए की एक्सेस ये देखिए, तीनों फेज की मैं एक्सेस आपको दिखा रहा हूं, फेज ए की जो एक्सेस है ये है, देखो फेज ए की एक्सेस 0 डिग्री पे, फिर फेज बी की एक्सेस क्या है, फेज ए से 120 डिग्री पे है, और फेज सी की जो एक्सेस है वो आपकी फेज बी से आपका 120 डिग्री पे क्या कर रही, लेकर ये फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फेज ए या फिर क्वाइल ए की एक्सेस इस डायरेक्शन में है, फेज बी की एक्सेस इस डायरेक्शन में, फेज सी की एक्सेस इस डायरेक्शन में, क्लियर है क्या। चलो अब मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, तीनों फेज की मैं एक्सेस बना रहा हूं, जो मैंने आपको लिखाया है वो समझने की कोशिश करिए। नाउ This is the excess of phase A, phase A बोलिए या फिर winding A बोलिए या फिर coil A, coil A का phase of coil A की जो एक्सेस है वो आपकी रेफरेंस की डायरेक्शन में, फेज बी का जो एक्सेस होगा वो फेज ए से 120 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, दिस इज द एक्सेस ऑफ फेज बी और वाइंडिंग बी और कॉइल बी। और बेटा फेज बी की एक्सेस से फेज सी की जो एक्सेस होगी वो आपकी 120 डिग्री क्या करेगी, लेग करेगी, दिस इज द एक्सेस ऑफ फेज सी और वाइंडिंग सी और कॉइल सी, ठीक है। This is nothing but the 120 degree and this is nothing but the 120 degree, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, T equal to 0 पे, हेलो T equal to 0 पे
किस इंसिडेंट में बात करूं, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे जो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स किस डायरेक्शन में, रेफरेंस डायरेक्शन में। टी इक्वल टू जीरो पे मेरा जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में है, रेफरेंस कितना एंगल बना रहा है, जीरो डिग्री। टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे जो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स होगा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज रेफरेंस, ये मेरा फाई आर होगा, ये मेरा फाई आर होगा किस इंस्टेंट पे, टी इक्वल टू जीरो। रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेटिंग है, रोटेटिंग है, लेकिन टी इक्वल टू जीरो पे ये किस डायरेक्शन में है, आपका रेफरेंस की डायरेक्शन में, ठीक है। और बेटा टी इक्वल टू जीरो पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रेफरेंस की डायरेक्शन में, इस समय किस फेज का करंट मैक्सिमम है, फेज ए का करंट मैक्सिमम, इस इंस्टेंट पे आपका फेज ए का करंट क्या है, मैक्सिमम है, ध्यान से देखिए, दैट इज आई ए, फेज ए का करंट क्या है, आई एम, जो कि कैसा है, मैक्सिमम है इस इंस्टेंट पे, ठीक है। फिर इसके कितनी देर के बाद, t इक्वल टू जीरो पे ये आपका रिजल्टेंट था और फेज ए का करंट कैसा था, मैक्सिमम। अब मैं इसके 120 डिग्री दैट इज 120 डिग्री बाद अगर मैं टाइम पे लिखना चाहूंगा, एंगल है मेरा 120 डिग्री, या फिर टाइम के बारे में बात करूंगा, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा। जब टाइम की वैल्यू चेंज होते होते जब कितनी हो जाएगी, जब टी हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा। अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं तो ओमेगा को यहां मल्टी, ओमेगा इंटू टी आपका एंगल होता है, मतलब 120 डिग्री के बाद, ठीक है। जब टाइम की वैल्यू 2 पाई बाई 3 हो जाएगी, हेलो, जब टाइम की वैल्यू 2 पाई बाई 3 होगा तब मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स रेफरेंस से कितना एंगल बनाएगा, 120 डिग्री। रेफरेंस से 120 डिग्री का एंगल माइनस है ना, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, तब रिजल्टेंट फ्लक्स रेफरेंस से कितने एंगल पे होगा, माइनस 120 डिग्री का मतलब दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, कितने एंगल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स। और इस टाइम इंस्टेंट पे किस फेज का करंट मैक्सिमम है, फेज बी का करंट क्या है, मैक्सिमम है। That is, इस टाइम इंस्टेंट पे फेज बी का करंट मैक्सिमम है, आई एम, ये उसकी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम है, ठीक है। फिर इसके 120 डिग्री के बाद, हेलो, दैट इज कितने टाइम के बाद, रेफरेंस से मैंने 120, फिर से 120 आप ऐड करेंगे 240, तो दैट इज 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा टाइम बाद, हेलो, टी इज इक्वल टू, जब मैं लिखूंगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, ध्यान से देखिए, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, कहां चले गए तुम लोग, हाँ, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब टाइम की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो रेफरेंस से कितने एंगल पे होगा, माइनस 240 का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रेफरेंस, मतलब एंगल रेफरेंस है -240, That is clockwise direction में 240 एंगल पे, मतलब इस डायरेक्शन में होने वाला, रिजल्टेंट फ्लक्स इज इन दी डायरेक्शन। इस समय किस फेज का करंट मैक्सिमम होगा, फेज सी का करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू आई एम होगी और ये मैक्सिमम करंट होने वाला है। अब जरा देखिए इस फिगर से देखिए, मैंने बोला किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, हेलो, किसी भी टाइम जैसे मतलब टी इक्वल टू जीरो पे, किसी भी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो आपका फाई आर है, हेलो, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उस फेज के एक्सेस की डायरेक्शन में, जिस फेज का करंट क्या है, मैक्सिमम। देखेंगे टी इक्वल टू जीरो पे फेज ए का करंट कैसा है, मैक्सिमम, जिस फेज का करंट मैक्सिमम है उसी फेज की एक्सेस की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स, फेज ए का करंट मैक्सिमम, तो फेज ए की एक्सेस की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स है, ठीक है। अब देखेंगे दैट इज टी इक्वल टू जीरो से 120 डिग्री के बाद किस फेज का करंट मैक्सिमम, फेज बी का करंट मैक्सिमम, तो रिजल्टेंट फ्लक्स भी फेज बी के क्वाइल की एक्सेस की डायरेक्शन में है। 240 डिग्री बाद
फेज सी का करंट क्या है, मैक्सिमम है, और जिस फेज का करंट मैक्सिमम किसी भी इंस्टेंट में आप देखेंगे 240 डिग्री में अगर फेज सी का करंट मैक्सिमम है तो फेज सी के कॉइल की एक्सेस की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा, जो रोटेटिंग नेचर का फ्लक्स है, वो किसी भी टाइम इंस्टेंट में उस कॉइल की एक्सेस की डायरेक्शन में होगा जिस कॉइल का करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। जिस कॉइल में करंट मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट फ्लक्स भी उसी कॉइल की एक्सेस की डायरेक्शन में होने वाला है। यही मैं आपको बताने की कोशिश करूं। T इक्वल टू जीरो पे कॉइल ए का करंट मैक्सिमम है तो रिजल्टेंट फ्लक्स भी कॉइल ए की एक्सेस की डायरेक्शन में, कॉइल ए की एक्सेस की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स। 120 डिग्री बाद फेज बी का करंट मैक्सिमम है, जिस फेज का करंट मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट फ्लक्स भी उसी फेज के उसी कॉइल की एक्सेस की डायरेक्शन में है। 240 डिग्री बाद फेज सी का करंट कैसा है, मैक्सिमम है, तो बेटा रिजल्टेंट फ्लक्स भी फेज सी के या फिर फेज सी के कॉइल की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं, इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं, इस फिगर को बना लीजिए। ये फिगर आपका या फिर ये स्टेटमेंट हमेशा कब आपका काम आएगा, इंडक्शन में इतना काम नहीं आएगा, बट मैं स्टेटमेंट आपको वहां नहीं बताने वाली, यहां पर जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर लिखा रहा हूं। क्लियर है? Redmi Note 9 Pro जिसको कॉम्प्लेक्स लग रहा था, जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया? किसी भी क्षण जिस फेज का करंट मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट फ्लक्स भी उसी फेज की एक्सेस की डायरेक्शन में, अगर फेज ए का करंट मैक्सिमम है तो रिजल्टेंट फ्लक्स फेज ए की एक्सेस की डायरेक्शन में होगा, फेज बी का करंट जब मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स फेज बी के कॉइल एक्सेस की डायरेक्शन में होने वाला है। Redmi Note 9 क्लियर है? चलो अब दोबारा मत लिखना जो है, अगर तुम आंसर नहीं दे रहा, अगर तुमने दोबारा कोई कमेंट लिखा मैं भगा दूंगा। जब तुम लोग को जवाब नहीं देना तो पूछते क्यों हो? चलो यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं, तो नोट करके लिखें, एट एनी इंस्टेंट किसी भी क्षण, एट एनी इंस्टेंट द रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर लाइंग along the axis of that winding which carries the maximum current at that instant। ठीक है, मैंने लिखा है कि किसी भी क्षण रिजल्टेंट फ्लक्स उस एक्सेस उस वाइंडिंग की एक्सेस की डायरेक्शन में होगा जो वाइंडिंग मैक्सिमम करंट को उस इंस्टेंट में कैरी करेगी। किसी भी इंस्टेंट पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो उस वाइंडिंग की एक्सेस की डायरेक्शन में होगा, वाइंडिंग की एक्सेस की डायरेक्शन में होगा जो वाइंडिंग मैक्सिमम करंट उस छड़ पे कैरी करेगी। ठीक है, जिस छड़ पे किसी भी वाइंडिंग में करंट मैक्सिमम होगा उस छड़ रिजल्टेंट फ्लक्स भी उसी वाइंडिंग की एक्सेस की डायरेक्शन में होने वाला। दिस इज द स्टेटमेंट। तो आपको मेरे ख्याल से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, कैसे रन करती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, और मजा आ जाएगा आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग को देख के।
जैसे आप देखेंगे एक पिक्चर आपने अगर देखी होगी, सभी ने वो पिक्चर देखी होगी DDLG, सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में। अगर आपने DDLG देखी है तब तो आप इसकी स्टार्टिंग बहुत आसानी से क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, क्योंकि DDLG में आप देखेंगे इंडक्शन मशीन में जो रोटर होता है वो किसको पकड़ने की कोशिश करता है, किसको पकड़ने की, स्टेटर की फील्ड को पकड़ने की कोशिश करेगा। और DDLG में आप देखेंगे लास्ट सीन पे जो सिमरन होती है ना काजोल, वो भी किसको पकड़ने की कोशिश करती है, शाहरुख खान को। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, हेडिंग डालें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इस टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट बाद में आपको ट्रांसमिशन का जो है ID पासवर्ड भेज रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रांसमिशन कंप्लीट, सैग और टेंशन कंप्लीट कराने के बाद जनरेशन करा दूं कि जनरेशन में आपका पहले करा दूं, आप लोग ये पहले बताओ। सैग टेंशन कंप्लीट कर लें उसके बाद मैं आपका रिमेनिंग प्लांट करा दूं कि पहले मैं करा दूं, आप लोग ये बताओ। अगर पहले कराना तो मुझे सैग और टेंशन को रोकना पड़ेगा, जैसा आप लोग बोले। सर कंप्लीट करके बाद में पहले ट्रांसमिशन, हाँ सभी लोग बोल रहे हैं कि लगभग सैग को कंप्लीट करा दीजिए उसके बाद जनरेशन के दो प्लांट आपके रिमेनिंग है उसको मैं कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, और जो प्लांट मैं कराऊंगा उसको कंटिन्यूअस में करा दूंगा। ठीक है, आपका जो है मशीन का थोड़ा सा टाइमिंग कम कर दूंगा, और आपका जो है दैट इज नथिंग बट द आपका दैट इज जनरेशन में दो प्लांट बचे हैं, दो प्लांट को कंप्लीट, दोनों प्लांट आपके दो दो तीन तीन दिन के हैं। ठीक है, तो लगभग एक सप्ताह में दोनों प्लांट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपका जो है सैग टेंशन कंप्लीट करा देते हूँ एक दो दिन में, उसके बाद आपका जो है पहले प्लांट कंप्लीट करो, दैट इज कंप्लीटेड, फिर संडे संडे आपका यूटिलाइजेशन चलता रहेगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन संडे संडे चलेगा, उससे पहले मैं आपका जनरेशन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसको कल करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, उसके बाद मैं आपका सैग और टेंशन स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल बस रहेगा सैग और टेंशन। ठीक है, आप देखेंगे UPPSL में किसी बच्चे ने मुझे दिया था न्यूमेरिकल भेजा था, उस टाइप के न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपका जो है क्या क्या जो है फार्मूले होते हैं, क्या क्या फार्मूले आपको जो है यूज करने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इंडक्शन में आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही टाइम लग रहा है, एक बार आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन जाएगा उसके बाद इंडक्शन में एक भी टाइम नहीं लगने वाला, केवल मैथमेटिकल है। तो जब तक आपका आप देखेंगे 3 से 4 दिन मुझे लगेगा आपके इक्विवेलेंट सर्किट में पहुंचने में, जिस दिन मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना दूंगा उसके बाद इंडक्शन मशीन आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इक्वेशन होंगी वो सारी की सारी आप इक्विवेलेंट डायग्राम से ही बना पाएंगे। ठीक है, तो 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे इंडक्शन मोटर काफी फास्ट चलने लगेगा, लेकिन जब तक 3 से 4 दिन तक हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में नहीं पहुंचते, यू कैन बी टेकन द पेशेंस। ट्रांसमिशन में मोस्ट ऑफ द टॉपिक खत्म हो गए हैं, इसके बाद सैक के बाद मैं जनरेशन करा दूंगा, उसके बाद आपके सप्लाई सिस्टम और आपका HVDC कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपके एक टॉपिक बचेगा दैट इज ए केबल। ठीक है, केबल कराने से पहले मुझे आपके ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेट कराना बचेगा, उसको कैलकुलेट कराने के बाद मैं आपका केबल कंप्लीट करा दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द, उसके बाद मुझको जो कुछ टॉपिक पढ़ाने हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और कहीं नहीं पढ़ाए जाते वो मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसमिशन में। ठीक है,